हेलो दोस्तों, राजवंत सिंह मोहाली आपका दोस्त, आपका सहयोगी, मेरे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का टॉपिक जो है वो रियल स्टेट से हटके है, वो भी ये है हम गरीब क्यों हैं। ज़्यादातर हमारे इंडिया की जो आबादी है वो गरीबी में क्यों पल रही है। दोस्तों, मैंने जो इसका कारण नोट किया है, मैंने किताबें लिखी हैं और मैंने किताबें पढ़ने का मेरे को बहुत शौक है। जो मैंने इसमें नोट किया है वो आपके साथ आज शेयर करने का मेरा मन था, तो मैंने ये सोचा कि ये वीडियो आज आपके साथ इसी टॉपिक पर बनाया जाए। दोस्तों, सबसे पहले मैंने ये लिखा है एम्प्लॉयड वर्सेस बिजनेसमैन। जब बच्चा पैदा होता है तभी से हमारे समाज में हमारे माँ बाप, हमारे रिश्तेदार उस बच्चे को एक एक्सपेक्टेशन के साथ देखते हैं कि ये बड़ा हो गए बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा या बहुत बड़ी नौकरी करेगा। वो लोगों में जो धारणा बनी हुई है कि अमीर होने के लिए नौकरी ही बहुत ज़रूरी है, जबकि नौकरी और बिजनेसमैन का, नौकरी वाले का और बिजनेसमैन का बहुत फ़र्क है। नौकरी करने वाला आदमी कभी भी अमीर नहीं हो सकता, नौकरी करने वाले की हमेशा एक्सप्लॉयटेशन होती है। मान लो कोई भी आदमी कहीं जॉब कर रहा है और उसको 40,000 रुपये सैलरी मिल रही है या 50,000 रुपये सैलरी मिल रही है, क्या आप समझते हो कि वो 40,000 का काम कर रहा है? यदि मेरे पास कोई बंदा एम्प्लॉई है तो मैं यदि उसको 40,000 रुपये सैलरी दे रहा हूँ तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि वो 80,000 का काम करे, 1,00,000 रुपये का काम करे। इसका मतलब ये हो गया कि आदमी की क्वालिफिकेशन, आदमी की योग्यता तो ज़्यादा है लेकिन उससे उसको मिलता उससे कम है। क्यों? एम्प्लॉई उसको एक्सप्लॉइट करते ही करता है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। तो इसीलिए जो हमारे में गरीबी का कारण है, इसीलिए क्योंकि हमारे जो रोल मॉडल है वो सिर्फ हमारे सरकारी नौकर हैं। जो हम, मैं गांव में जाता हूँ तो वहाँ मेरे को सब बोलते हैं कि हमारे बच्चे को नौकरी लगवा दो, ये कर दो, वो कर दो। सारे के सारे समाज का जोर लगा पड़ा है सरकारी नौकरी की तरफ, जबकि मैं समझता हूँ कि सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, आपकी एक्सप्लॉयटेशन होनी होनी है। आप 20,000 रुपये महीना तनख्वाह ले रहे हो तो 40,000 का काम नहीं करोगे तो दूसरे दिन आपको फायर कर दिया जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा। सो दोस्तों, ये देखने वाली बात है। और दूसरे नंबर पर बिजनेसमैन है। जो बिजनेसमैन है वो अपने लिए काम करेगा, चाहे वो 8 घंटे काम करे, चाहे 16 घंटे काम करे, चाहे 24 घंटे काम करे, चाहे 2 घंटे काम करे, चाहे ना करे। जब वो अपने लिए काम करेगा तो उसके अमीर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और ये एम्प्लॉई है, ये दूसरे के लिए काम करता है, इसका धीरे धीरे इसका जब ये नौकरी में घुस जाता है और अच्छे तरीके चला जाता है तो इसको पता लगता है यार मेरे तो गुजारे नहीं हो रहा, ये अपना इंटरेस्ट ही लूज़ कर जाता है। तो ये काम पर जाता नहीं है, इसको जाना पड़ता है, इसमें मजबूरी आ जाती है। तो आपने देखना है कि आपने काम कौन सा करना है। यदि आप काम पर जाते हो तो उसका रिजल्ट अलग होएगा, यदि आपको जाना पड़ता है तो उसका रिजल्ट अलग रहेगा। सो दोस्तों, मेरी को उम्मीद है कि ये मेरा टॉपिक आज समझ आ गया होगा। और दूसरे नंबर पे इसमें जो मैं समझता हूँ डिफरेंस क्या है, यदि एम्प्लॉई है, कोई बहुत बड़ा ऑफिसर भी रिटायर हो जाए, कोई डायरेक्टर रिटायर हो जाता है, कोई डीजी भी रिटायर हो, कोई सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी रिटायर हो, वो अपने बेटे को कभी भी चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट नहीं दे सकता, कभी डीजीपी की पोस्ट नहीं दे सकता। लेकिन बिजनेसमैन यहाँ से शुरू करके चाहे यहाँ तक आ जाए, जब भी उसका बच्चा बैठेगा तो यहाँ पर आके बैठेगा, वो अपने बच्चे को एम्पायर खड़ा करके देता है, जबकि एम्प्लॉई है जो वो अपने बच्चे को कुछ भी नहीं दे सकता, सिर्फ उसको थोड़ा बहुत जितना भी पढ़ाना पढ़ा सकता है। और ये हमारे जो रोल मॉडल हैं, ये रोल मॉडलों को यदि आप जाके पूछो, इनका दर्द फरोलो, तो आपको पता लगेगा कि ये बहुत दुखी हैं क्योंकि इनका गुजारा ही नहीं होता। 1,00,000 रुपये सैलरी लेने वाला आदमी ना अपनी मर्जी से 5-स्टार होटल में जा सकता है, ना अपनी मर्जी की कार रख सकता है, ना अपनी मर्जी का घर रख सकता है, ना अपने मर्जी से अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा सकता है जहाँ वो पढ़ाना चाहता है। हर टाइम कंप्रोमाइज़ की ज़िंदगी जी रहा है। सो दोस्तों, हमारी गरीबी का कारण यही है कि हम ज़्यादातर ये एम्प्लॉयड वाले जो हमारा क्वाड्रेंट है इसके, इसमें जीने की कोशिश करें। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ जल्दी। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आएगी, और ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जिस दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा देना, और कोई सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।